जय श्री राम। जुड़ो जुड़ो, थोड़े से लोग जुड़ो। त्यागी शशांक भैया जय श्री राम। भैया जो भी जुड़ता जा रहा शेयर करते जाओ और अधिक से अधिक लोग जोड़ो, क्योंकि हद से ज़्यादा हद हो चुकी है और सहन करने की बहुत ज़्यादा सीमा पार हो चुकी है कि इंसान कब तक सहन करेगा। बसंत भैया जय श्री राम। सभी भाई जय श्री राम लिख के भैया एक बार आशीर्वाद दे दो आपके भाई को, ताकि मुझे अपनी बात रखने में और आसानी हो जाए। कल रात तक की सूचना के अनुसार 86 केस हो चुके हमारे। जय श्री राम जय श्री राम। जुड़ो जुड़ो, थोड़े से और भाई जुड़ते जाओ। श्याराम अमर भैया, कल की सूचना के अनुसार हमारे कोटा कोटा में 86 केस हो चुके हैं कोरोना वायरस के। किसका हाथ तो नहीं बोलेंगे पर किसकी वजह से ये दुनिया जानती है, पर कुछ लोग मानने को इसमें कहीं ना कहीं हमारा नहीं, एक से जमात का, और फिर भी कुछ लोग उसका सपोर्ट करने में लगे हुए। जब तक हम लोग या तो सच सुनना नहीं सीखेंगे या सच बोलना नहीं सीखेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और कोरोना के केस अगर कोटा में बढ़ रहे हैं तो उसका बहुत बड़ा कारण और बहुत बड़ी गलती कहीं ना कहीं प्रशासन की भी है, क्योंकि जब कोटा के एक साइड के जो केस थे अपने स्टेशन साइड से जब, तो ये नयापुरा रहने चाहिए थे ये सारे पेशेंट जो थे, इनको इधर नए शहर में आपने क्यों शिफ्ट करा? कोटा के इस कोने से उस कोने तक तो लेके आने वाले प्रशासन, अब प्रशासन में किसकी गलती है वो सोचने वाला, क्योंकि ये तो आप खुद फैलाने लग रहे हो। हाँ कितने हो गए, 92, शतक होने वाली है बहन, शतक होने वाली है बहुत जल्दी। और कई लोग हैं जैसे वीडियो मेरे पास क्लिप्स वगैरह आती है ना, तो कहते हैं यार भैया कि मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है सिर्फ इन्हीं इनकी न्यूज़ दिखा के, पर्टिकुलर एक समाज को बदनाम किया जा रहा है मीडिया द्वारा और सबके द्वारा। यार भाइयों सिर्फ एक छोटी सी बात का जवाब देना, बहुत शांति से आपकी हर बात का जवाब दूंगा मैं आज, और जिसको भी जुड़ना है जो भी प्रश्न पूछना सबके जवाब दूंगा मैं आज। जिन भाइयों को लगता है एक पूरे संप्रदाय को या पूरे एक समाज को बदनाम किया जा रहा मीडिया द्वारा, तो मैं उन भाइयों से पूछना चाहता हूँ, जब आपको लगता है कि कुछ लोग गलत हैं तो आप लोग उनकी गलती बोलते क्यों नहीं हो? आप कभी उनकी निंदा क्यों नहीं करते कि यार इन जमातियों ने गलत किया है? आज एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूँ, अभी कुछ दो एक दिन पहले कांड हुआ था जिसमें एक सरदार जी ने अपने एक पुलिस वाले भाई का हाथ काट दिया था। इस पूरे हिंदुस्तान में शायद एक या दो लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उस इंसान का फेवर किया था, बाकी 99% सरदारों ने उसका विरोध करा। क्यों? क्योंकि हमें विरोध करना आता है, कोई एक आदमी हमारी कौम बदनाम नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार अगर आप लोग भी अपने लोगों की बुराई करना जिस दिन शुरुआत कर दोगे ना बॉस, आपकी कौम पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। और मुसलमानों को दुश्मन हिंदू नहीं है, मुसलमानों को दुश्मन खुद मुसलमान है, उसमें गिनती के दो चार नाम आपको बहुत अच्छे से याद हैं, जो आप लोगों के लिए सिर्फ आग लगाते हैं, घी में तेल डालते हैं और पीछे हो जाते हैं, और कुछ अनपढ़ गंवार लोग पीछे लग जाते हैं काम पे। अब जैसे दो तीन दिन से मैं एक उसको देख रहा हूँ, हालांकि मैं उसका उसके लिए वीडियो डालना चाहता नहीं पर मजबूर कर देता भक्तों भक्तों करके, वो है उसका नाम एजाज खान, औकात दो कोड़ी की, इंडस्ट्री में कोई जानता नहीं है, काम मिल नहीं रहा तो पागल हो चुका हो बुद्धि से, सड़कों पर थूक रहा है। कल उसने एक वीडियो डाला था भगवा तारी टी शर्ट पहन के। पहली बात तो भाई तेने भगवा पहना बहुत अच्छी बात है, भगवान तेरा भला करे। एक उसने सब्जी वाले को पकड़ा और कहता है तेरा नाम क्या है, तू ये है, अच्छा मैं तुझसे फिर भी सब्जी लूंगा। भाई ये लोगों हम लोगों ने
हिंदुओं ने ये विश्वास बनाया हुआ है कि आप हमसे सब्जी लो। एजाज खान को भी पता है कि हम सब्जी थूक के नहीं देते हैं। और जब तक आप लोग उन लोगों की बुराई करना नहीं सीखोगे तब तक भैया कुछ नहीं हो सकता। जब तक भाईचारे की आप बात करते हो ना यार, भाईचारा हो तो भाईचारा दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से कभी नहीं होता है। आज कह रहे हो आप कि जमात में लोग फंसे हुए थे उनको निकाला क्यों नहीं गया, तो भैया जो लोग फंसे हुए थे चलो मान लिया फंसे हुए थे, पर बाकी जो लोग छुपे हुए उनका क्या करोगे? उनके लिए एक पोस्ट तो डाली होगी आप किसी भाई ने कि यार ये लोग गलत हैं सही, तो भाई आओ ना। आज अगर नवजोत सिंह सिद्धू गलती करता तो हम बोलते हैं, कन्हैया कुमार को हम गाली बकते हैं, आसाराम के लिए हमने बोला है। एक पोस्ट उठा के देख लेना किस हिंदू ने नहीं बोला आसाराम की गलती, अगर आसाराम की गलती थी ना तो किस हिंदू ने नहीं बोला। संत गुरमीत राम रहीम सिंह जिसका मैं खुद बहुत बड़ा फॉलोअर था, 10 साल मैंने बेवकूफपंती करी है, 10 साल मैं संत गुरमीत राम रहीम सिंह का फॉलोअर रहा हूँ, मैंने खुद बहुत बड़ी बेवकूफ करी है, पर जब मैं सुधरा दिमाग बुद्धि घूमी मैं भाई हट गया, मैं बुराई करता हूँ उस इंसान की, मेरी नज़र में संत बंद नहीं है, जिसके होगा होगा, अंधभक्तों की कमी नहीं है। ठीक है, जब वो गलत था तो हमने उसकी गलती बोली, तो जब आपके मौलाना साहब गलत हैं तो आप में से किसी इंसान ने उस इंसान की बुराई क्यों नहीं करी कि भैया आपने ये क्यों करा, क्यों आपकी एक जमात की वजह से पूरी कौम बदनाम हो रही है, कभी इस पर भी आपने सोचा है? आज एजाज खान उठ के आ जाता भैया ये करो भक्तों, अरे एजाज खान बेवकूफ गधे की भी तू है क्या? तू मोदी को ज्ञान दे रहा बेवकूफ इंसान, तू मोदी को सिखा रहा है, तू अमित शाह को सिखा रहा है, अबे बेवकूफ इंसान क्या बोलूं यार एजाज खान तेरे लिए क्या बोलूं, तू इतना बड़ा भाईयात इंसान है ना बॉस, इतना बड़ा गंवार, तू तेरे को तू बोलना भी बेकार है यार, तू आदमी साला बकवास है। शक्ति भैया जय श्री राम। और एक अच्छा सुझाव दूंगा आप सभी लोगों के माध्यम से, अगर आप लोग वीडियो शेयर कर दे तो, आज 162 लोग देख रहे हैं, अगर आप ये वीडियो शेयर कर दो तो एक बहुत अच्छा आपको और देता हूँ, जिन लोगों को ये जो कोरोना के पेशेंट है जो इधर उधर भागे भागे फिर ना, इधर भाग जाओ उधर भाग जाओ, एक बहुत अच्छा तरीका बता दो, अगर ये आप प्रशासन मेरी छोटी सी एक बात मान ले तो बहुत केस कम हो जाएंगे और जो कोरोना पेशेंट है उनको भी आत्मा को शांति मन को शांति मिलेगी, आराम अच्छी है। इन लोगों को हॉस्पिटल से निकालो, इन लोगों को हॉस्पिटल निकालो, और शहर में जिस जिस जगह पर बड़े बड़े महफिल खाने हैं और मस्जिदों के बड़े बड़े हॉल हैं, इन लोगों को वहाँ शिफ्ट करो, उन हॉलों को उनको बनाओ क्वारंटाइन का आपका वो, मतलब एक तरह से हॉस्पिटल बना दो उनको छोटा सा। उससे एक फ़ायदा क्या होगा, जिनको नमाज़ पढ़नी होगी वो आराम से नमाज़ पढ़ लेंगे, उनको दिक्कत भी नहीं आएगी। और ये जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो डॉक्टरों पर, अभी आज स्ट्रोक में घटना हुई है, स्ट्रोक वाले बेचारे पुलिस वाले भाई के सर फाड़ दिया, 3 जने जख्मी हुए उसमें, अबे शर्म करो यार, हम बदनाम नहीं कर रहे किसी को, तुम खुद बदनाम कर रहे हो अपने आप को। और सोचना ठंडे मन से, अगर अभी भी कोई जुड़ना चाहता है हर एक बात का लाइव जवाब दूंगा, लाइव में जुड़े ना अभी सबको जोड़ता हूँ। ये जो लोग पत्थर फेंक रहे हैं ना यार, डॉक्टर किसी के लिए नहीं जा रहे, ये डॉक्टर तुम्हारे लिए आ रहे हैं, गंवा रहा हूँ, बुद्धि में बैठाओ इस चीज़ को, ये डॉक्टर तुम्हारा इलाज कराने आ रहे हैं, और तुम किसी और को तो बाद में मारोगे, पहले तुम एक घर के 10 और मोहल्ले के 100 पहले तुम उनको खत्म करोगे। ट्विंकल बाजी सत श्रीकाल मैम, दवा वावा डाली, हमें तो इलाज करना है, और इन जैसे लोगों का इलाज करने के लिए 3 टाइम सर्जन डॉक्टर योगी आदित्यनाथ महाराज बहुत है, पर ये लोग समझ नहीं पा रहे। इनका जो यूपी में इलाज चल रहा है ना, इन लोगों को वही भाषा समझ में आती है, प्यार की भाषा समझ नहीं आती। तो मैं कहाँ था, इनका इलाज बता रहा था मैं आपको, इनको हॉस्पिटल से निकालो, हॉस्पिटल का स्टाफ बचेगा। दूसरी चीज़, इनको महफिल खाने, जो बड़े बड़े सरकारी खर्चों महफिल खाने बने हुए हैं, बड़े बड़े इमारतें हॉल बने हुए हैं ना, वहाँ पर इनको शिफ्ट करो, इनका वहाँ पर बनाओ इलाज क्वारंटाइन के लिए। दूसरी चीज़, ये जो लोग पत्थरबाजी फेंक रहे हैं इनको मारो मत, इनको केस मत लगाओ, इनको लगाओ इनकी सेवा में, ताकि इनको अपना पता चल जाएगा कि सेवा किसे कहते हैं। जब तक आप लोग अपने समाज पर उंगली नहीं उठाना सीखोगे तब तक आपका समाज बदनाम होता रहेगा, वो चाहे कोई सा भी समाज हो। अपने समाज की बुराइयां मिटाना आप लोगों का काम है, हमारा काम नहीं है। हम हिंदू है, हम हिंदुओं की मिटाएंगे। मैं सरदार हूं तो मैं सरदारों को कटाक्ष करता हूं, मैं नवजोत सिंह सिद्धू को भी सूअर बोलता हूं, मैं कन्हैया कुमार को भी सूअर बोलता हूं। अरे यार एक बात बताओ, आज उस सारे कहां मर गए? मैंने एक उस दिन वीडियो भी डाला था छोटा सा, कहां मर गए हैशटैग डालना, कन्हैया कुमार कहां चला गया, जिग्नेश मेवानी आज कहां मर गए, फरहान अख्तर ये कौन से बिल में घुस के बैठे हैं, जावेद अख्तर, आमिर खान साहब की वाइफ किरण जी, नसरुद्दीन शाह साहब, स्वरा भास्कर, ये कहां मर गए, देश बचाने निकले थे ना,
आज देश को इतना बड़ा खतरा, इतने देश बड़े खतरे में जूझ रहा है, आज ये लोग कहां मर गए? अब देश नहीं बचाना इनको? सही बात है मुनीष भाई, अगर इस समय पर ये लोग हरकत नहीं करते ना तो हम कब के फ्री हो चुके थे, कोटा इस माहौल में आता ही नहीं। और ये क्वारंटाइन के अगर जो पेशेंट बढ़ रहे ना, इसका बहुत बड़ा कारण प्रशासन है, प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है इसमें। सिटी के एक कोने के आप दूसरे कोने में अगर आप पेशेंट शिफ्ट करोगे ना तो सिटी को तो आप खराब कर रहे हो। और जो कुछ लोग बोल रहे ना कि अपने भीलवाड़ा में बहुत अच्छा हुआ, तो शायद मेरे को लगता है भीलवाड़ा के और बाकी उधर के सारे नेता वेता लगे, क्योंकि उधर तो सही हो गया, नेता सेम उधर सही नहीं हो रहा, तो शायद कुछ गड़बड़ घोटाला हो सकता है। एक चीज और बताता हूँ, मैंने आता उस पर वीडियो डाला नहीं था, पर डालना था। इसका नाम था भाई साहब विनय दुबे। विनय दुबे की एक खासियत बताता हूँ आपको, विनय दुबे के कन्फर्म नहीं बोलूंगा, कल को कोई मेरे पर उंगली उठा दे, एक लेटर बना कलेक्टर साहब मुख्यमंत्री को भेजो आपकी बिल्कुल बात हो सहमति, बिल्कुल शक्ति भैया ये भी करके देखेंगे, आपका सुझाव बिल्कुल सहमत है। तो मैं विनय दुबे की बात कर रहा था, आज वीडियो लंबा खींच सकता भाई और किसी की बहुत अच्छी खींचूंगा। तो विनय दुबे भाई साहब है ना, विश्व सूत्रों से पता चला है कि इनके पिताजी शांति प्रिय समुदाय से, चलो वो भी माने नहीं माने। विनय दुबे से समस्या क्या है, वो अंधभक्त बोलता है, जबकि उस बेवकूफ की औलाद को ये नहीं पता कि हम भक्त वाकई में अंधभक्त हैं, क्योंकि हमने जब पूजा भक्ति करी तो राजा अपने आसाराम की भी करी, संत गुरु राम सिंह की भी करी, रामपाल की भी करी, और जब नहीं करी ना तो उनके पिछवाड़े में लाद देते भी देर नहीं करी, क्योंकि हमें यह पता है कि हमारा अच्छा क्या है और हमारा बुरा क्या है। हम लोग आज सरदारों कोई क्यों बदनाम नहीं कर पाता, मुझे एक बार बता दो, क्यों एक ही समाज बार बार बदनाम हो रहा है? कभी सोचा ठंडे दिमाग से, एक ही समाज क्यों बार बार बदनाम हो रहा है? बदनामी आप कर रहे हो, कोई नहीं कर रहा। सरदारों कोई बदनाम क्यों नहीं कर पाता? हम काम करते ऐसे ही नहीं, अगर हमसे हमारे समाज में कोई गलत काम करता तो हम भाई साहब उसे हाथों हाथ टोकते हैं। अगर एक समाज का आदमी चले ना, अगर समाज चले तो एक आदमी की कोई औकात नहीं उस समाज को बदनाम कर दे, ये बदनामी के ठीक रहे, आप लोग खुद अपने सर पर फोड़ते हो, कोई उसका जिम्मेदार नहीं है। विनय दुबे बताता हूं, ये जो अपने घटना हुई अपने थुकले जमात वाली, इसका मेन हीरो कौन था? मौलाना साद। पर किसी भाई साहब किसी आदमी ने मौलाना साद की बुराई नहीं करी, साहब धर्मगुरु हैं, ऐसे धर्मगुरु हमारे भी थे, पर वो गलत थे तो हमने गलत बोला। अब साहब क्या हुआ, जब ये जमात का पारा हाई चढ़ता गया, अपने कोरोना के पेशेंट बढ़ते गए, तो उस बीच में षडयंत्र रचा गया जिसका मेन मोहरा ये था आपका दुबे, विनय दुबे। इस विनय दुबे साहब ने क्या करा, भीड़ जुटाई, अच्छा ना कोई प्रशासन वाला कह रहा है ना हम कह रहे हैं कि वहां पर सारे मुसलमान थे, वहां पर सर्व समाज के लोग थे, पर ये एक मोहरा बनाया गया ताकि सब वहां पर, क्योंकि वहां पर मराठी वगैरह महाराष्ट्र में ये लोग ज्यादा है, सभी प्रकार के लोग सभी थे उसमें, हो सकता है और कोई भी हो, पर सभी प्रकार के लोग थे। ये इसलिए किया गया क्योंकि ये लोग, ये जो जमात की गलतियां चल रही थी ना, इनको छुपाने के लिए एक नया प्रकरण खड़ा किया गया था। आपका ट्विटर अकाउंट भैया हो तो दीजिए, भैया बनाया है पर मेरे को ट्विटर कभी चलाना था और बहुत से लोगों ने बोला भैया चालू करेंगे, जमात वाली बात आ जाता हूँ मैं। तो ये जमात को ठंडा करने के चक्कर में इन्होंने नया मुद्दा खड़ा करा था, तो एक मोहरा बनाया था जिसका नाम है विनय दुबे, और वो इतना बड़ा बेवकूफ़ है वो अपने आप। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, अभी जिस कारण जेल गया ना, आने वाले टाइम में उसे या तो IMI जो अकबरुद्दीन ओवैसी की पार्टी है वो, या फिर कांग्रेस इसको देख लेना पद दे देगी, ये मिली जुली सरकार वहाँ से चलती है इनकी। और कौन थे भाई साहब, हाँ एक और भाई साहब है दादा उमेश, आज थोड़ा मैं लिख कर बैठा हूँ भाई। एक है ID फेसबुक पर और अपने यूट्यूब पर एक बंदा है दादा उमेश, उमेश दादा, जो कहता है भैया मैं हिंदू हूँ और मैं बहुत सारी बातें करता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता हूँ। यार इसका खुल नहीं रहा, एक मिनट भैया होल्ड मार रहा। उस दादा उमेश का हिंदू बनकर जो अपने वीडियो डालता है और उसमें हजारों उसको लाइक शेयर सब मिलते हैं उसे, वो भाई साहब वो कौन है, क्या नाम उसका, दादा उमेश, इसकी ID यूट्यूब पे सर्च माना, ये गधे का बच्चा है ना, इसका नाम है इम्तियाज अली शेख। ये हिंदू बनकर हिंदुओं को बहका रहे हैं, ये वो लोग हैं। तो भैया अगर आप लोग गलत हो तो गलती मानना सीखो, गलती कर भी नहीं मानोगे तो भैया आपको दुनिया में बदनाम होने से आपकी पूरी जमात को कोई नहीं बचा सकता। इसलिए अपने धर्म मानो, धर्म अच्छी बात है, हर इंसान को अपने धर्म को फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए, नो डाउट, कोई गलत दो राय नहीं है, सबको करना चाहिए। पर भाई जब तक गलत को गलत बोलना नहीं सीखोगे आप बदनाम होते रहोगे,
या फिर एक बार गलतियां गिनाना सीखो, गलत को गलत बोलना सीखो, हर भाई अपना सम्मान करेगा। एक चीज और बता देता हूं, आज भी फेसबुक खोलकर देख लेना, मैं कह रहा हूं 1 या 2% हिंदू होंगे जिन्होंने मुसलमान को गाली बकी होगी। बहुत गहरी बात कर रहा हूं, नोट कर लेना, 1 या 2% बेवकूफ हिंदू होंगे जिन्होंने मुसलमान को गाली बकी होगी। हर आदमी 98% इंक्लूडिंग मी, हम सिर्फ जिहादियों को गाली बकते हैं। आज भी कहता हूं, हमेशा कहता रहूंगा, बात सोचना समझना। और मेरे जितने अभी 200-250 लोग जो देख रहे हैं, मैं इनसे भी बात करता हूँ और ये बात मानेंगे सब, जैसे जैसे लिख देना एक बार और इस वीडियो को शेयर कर देना। हम जितने भी देख रहे हैं और जितने भी हिंदुस्तानी हैं, 98% बता रहा हूँ, कम से कम 95 ले लो, 90% ले लो, 10% हमारे में भी गंवा रहे हैं, हम मानते हैं। कोई भी मुसलमान को गाली नहीं बकता भाई, कोई भी। हमारे कलाम साहब, हर इंसान कलाम साहब को कलाम साहब ही बोलता है। कलाम साहब को हम यहाँ रखते हैं भाई, उनकी इज्जत करते हैं। तो कलाम साहब बनो, दिल माते सर माते रखेंगे आप लोगों को। कसाब से कल भी दिक्कत थी, आज भी दिक्कत और कल भी दिक्कत रहेगी। मुसलमानों से किसी भाई को दिक्कत नहीं है, जितने देख रहे हैं इनको भी बताए। और भैया दिक्कत जियादियों से थी, जिंदगी भर है और जिंदगी भर रहेगी, ठीक है। आज आप कह रहे हो कि यार वो जैसे वो उल्लू का बीप, वो एजाज खान मोदी को ज्ञान दे रहा, बताओ यार, दो दो कौड़ी के आदमी उठ के मोदी को ज्ञान दे रहे, क्या हैसियत है तेरी यार? तू उन लोगों को ज्ञान दे रहा जिसके लिए पूरी दुनिया नतमस्तक होगी यार। एक मिनट रुक जाओ भैया, क्या लिखा है भैया? इनका सबसे बढ़िया इलाज यही है कि इनको इनके स्थानों पर ही छोड़ो, वहीं इनकी इबादत कराओ आराम से, वहीं इनका ट्रीटमेंट कराओ। और जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं, पूरे पड़ोसी का नुकसान कर रहे हैं, इन लोगों को इनकी सेवा में लगा दो। भाई साहब मैं कह रहा हूँ आधे केस खत्म हो जाएंगे, ना कोई पत्थर फेंकेगा, ना कोई माथा फोड़ेगा, ना खुद का फोड़ेगा। जिन लोगों को लग रहा था ये बीमारी, भैया ये बीमारी राशन कार्ड का कलर देख के नहीं लगती, जिसको लगनी है लग जाएगी। और आज के टाइम पर और लोग और कहते हैं क्या नाम से कि हिंदुस्तान में क्या बात थी यार, थोड़ी मिस हो रही है हिंदुस्तान। कोई एक भाई आया, फैजल मोहम्मद, कौन है भाई, कोई आया क्या भाई? भाई अगर कोई आज जुड़ता है ना भाई, 100% जुड़ूंगा और एक एक बात का जवाब दूंगा। अगर कोई भाई जुड़ता है ना तो एक एक बात का जवाब दूंगा, टेंशन मत लेना। क्योंकि आज मैं थोड़ा आराम से खुले मूड में था, मैंने कहा आज भाइयों से ढंग से खुलकर ही बात करूंगा। और भाइयों फिर अपनी वाली बात पर जाऊंगा, इस टॉपिक को छोड़ दें। अपने आसपास के जो थोड़े निर्धन लोग हैं जिनको खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही, थोड़ा थोड़ा सब करके रहे। कल मैंने एक वीडियो डाला था, उससे मेरे को सेवा आ चुकी है, हद तक अच्छी सेवा आ चुकी है। तो आज राशन आया है थोड़ा, कल और आएगा। निरंतर बढ़ने वाला प्रोग्राम चल रहा है हमारा। लगते हो मेरी बात से सहमत हो तो इस वीडियो को शेयर कर देना, और सच बोलना सीखो। जब तक नहीं बोलोगे आप अपना नुकसान करोगे। आज अगर सरदार वाला जो कांड दिल्ली वो हुआ था, जैसे सरदार जी ने पुलिस वाले हाथ काट दिया, अगर हम भी उसकी साइड लेते तो शायद हम भी गलत होते भाई। पर हमारे अंदर इंसानियत है और एक मर्दानगी है कि हम सच को सच और झूठ को झूठ बोलना जानते हैं। भाई साहब हिंदू अपने पकाना इनका कह रहा है यार, भैया देखो हिंदू जो अपनी पकाने में लग रहे ना वो हिंदू नहीं है, समझ रहे हो? और मेरी नज़र में वो इंसान ही नहीं है जो इस बुरे समय में भी रोटियां सेकने में लगा हुआ अपनी। 10 की चीज 20 में जो बेच रहा है ना भाई, समय सबका आता है, भगवान सबको देख रहा है। आज मैं कहता हूँ ना, मैंने भंडारा करा मेरे को भगवान देख रहा होगा, आज मैंने पुण्य कर्म करा तो भगवान देख रहा होगा। तो भाई जब तुम गलत कर्म कर रहे हो ना, भगवान तुम्हें तब भी देख रहा है। तो भगवान का जो CCTV कैमरा है ना, 24 घंटे ऑन है। अब सच गलत अच्छा बुरा जो कर रहे हो सब उसके पास रिकॉर्ड है दोस्त। कन्हैया को तो मैं खुद ढूंढ रहा हूँ यार, भैया कन्हैया नहीं मिल रहा। वो कन्हैया मिले बीच में आते एक दिन उचक के, फिर गायब हो गया, गोली मार देनी चाहिए। भैया ये गोली मारने वाला अगर संविधान हिंदुस्तान में होता ना तो पता नहीं क्या होता। ये चीन जापान नहीं है और ना उत्तर कोरिया है, हिंदुस्तान है, यहाँ संविधान के हिसाब चला जाता है। क्योंकि अगर गोली बंदूक बारूद के दम पर हमें राम मंदिर छुड़ाना होता, हम कब का छुड़ा लेते। पर हम लोग संविधान के हिसाब चलने वाले लोग हैं और संविधान की इज्जत करते हैं, संविधान के हिसाब से चलना चाहते हैं और जिंदगी उसी पे चलेंगे। एक यार बहुत अच्छी बात बताई भाई ने, इस बात पे आने वाला भी तो पॉइंट भी आ गया।
ये बात भी सही बोली भाई, तुम एक पाव मुर्गा लेने के लिए हलाल की दुकान खोजते हो और सब्जी वाले का नाम भी नहीं पूछो। भैया ये तो प्रशासन से मैं वापस विनती करूंगा, जिस प्रकार उन्होंने कुछ लोगों, एक तबके के लोगों को दिया है ना, तो भैया जब थोड़ा इक्वेलिटी का है ना काम, बराबर बराबर, तो अगर पांच हमारे वाले हैं तो पांच तुम्हारे वाले भी होने चाहिए। और स्पेशली स्पेशली हिंदू एरियो में हिंदू सब्जी वाले ही जाए, हाथ जोड़कर निवेदन है, क्योंकि माहौल अभी गर्म है भैया, किसी की फोकट कोई सर्विस कर दे तो फिर हिंदू बदनाम हो जाएंगे। तो इसलिए हिंदू ये क्या लिखा है, अरे कौन है ये, मोहन भाई जी, ये आप कश्मीर से क्या बात है सर, सीआरपीएफ जैन सर, आप भाइयों का तो मैं बहुत बड़ा दीवाना हूँ यार, और जय जय श्री राम जैन। क्योंकि भैया अभी जिस तरीके का माहौल चल रहा है, सब्जी थूकन लागण वाला, तो उसी हिसाब से हिंदू क्षेत्रों में ना जाए, क्योंकि हर क्षेत्र में कोई मुझे ज़्यादा समझदार तो होता नहीं, समझा बुझा के भेज दे, कई सर्किट पागल वागल भी होते हैं, फोकट सर्विस कर देंगे तो फिर हिंदू बदनाम हो जाएंगे। तो जहाँ तक है भैया, हथियार निकालो, रहने दो भैया, हथियार वथियार मत निकालो, प्रशासन छोड़ा हुआ है मोदी जी ने बढ़िया, और ज़्यादा होगा तो यूपी वाले भैया बुला लेंगे, डॉक्टर अपने योगी आदित्यनाथ जी, उनसे बढ़िया कोई डॉक्टर नहीं, उनको हथियार निकालने की जरूरत पड़ती भी नहीं, संविधान से चलो सब अच्छा होगा। बस ये सब भाई निवेदन है, शांति बनाए रखो, घर में रहो, बार बार हाथ सैनिटाइज करो, धोते रहो भाई, बीमार मत पड़ना, एक बीमारी से चक्कर में तुम्हारे घर वाले 10 बीमार पड़ेंगे। और कौन आया मेरे भाई, एक मिनट, मेरे भाई नाम सूरज जायसवाल, भैया आपका नाम बोल देता हूँ, जय श्री राम भी बोल देता हूँ आपको यार, मोहन जी थैंक्स, भैया जय हिंद, थैंक्स आप लोगों को यार, सेवा आप लोग कर रहे हो, हम तो घर पे बैठे कर रहे हैं। एक बात मजाक वाली भी कर देता हूँ, बहुत देर लंबा हो गया था, कभी हम बात करते हैं तो किसी के मुंह से थूक निकल जाता है, छोटा छीटा बटा गया, अभी स्थिति वो है कि इस मजाक में हाथापाई हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखें और घर में रहें, स्वस्थ रहें, माता पिता का ध्यान रखें, छोटा भाई बड़ा भाई जो समझते हैं आशीर्वाद रखें, जय श्री राम लिख के एक बार आशीर्वाद देते हैं आपके भाई को। और नंबर है मेरा 8875666699, और अगर एजाज खान तक मेरा वीडियो पहुंचे, वैसे पहुंचा दूंगा एजाज खान तक, अगर एजाज खान तेरे कभी भी कोई भी खुजली हो, कोटा सिटी का निवास हूँ, अभी तेरे नंबर पर ये पूरा वीडियो डालूंगा मेरा भाई, चिंता मत कर, स्पेशली एजाज खान को बोल रहा हूँ, तेरे जितनी गर्मी, तेरे जितनी चर्बी जैसी भी हो सब निकालूंगा, कभी भी लाइव में जोड़ लेना या मेरी लाइव में जुड़ जाना। नंबर है 8875666699, बलवंत पाल सिंह और प्रिंसी सरदार फ्रॉम कोटा, कोटा आता रहता तो मुझे पता है, तेरे नेटवर्क अच्छे कोटा में इसलिए बोल रहा हूँ, तेरे को कोटा फटाफट माइंड में आ जाएगा। दोबारा कभी अंधभक्त मोदी जी को गाली बकी थूका तो बड़वे ध्यान रखना, तू मुंबई बैठा है, मुंबई यहाँ से 14 घंटे दूर है, और भगवान कदम जिस दिन एक लाइव डल गया तेरे नाम का इस कोटा से, तो 14 घंटे छोड़ वहाँ आने से पहले सर्विस सर्विस मुंबई वाले कर देंगे, इसलिए औकात में रहना सीख ले, लोगों को भड़का मत, अच्छा काम कर रहा है, तारीफ भी करूंगा, मोदी जी को गाली बकेगा थूकेगा भक्तों भक्तों करेगा, तो भक्तों का जिस दिन डंडा पिछवाड़े में घुसाना दोस्त, मुंह से निकलेगा आवाज भी निकलेगी, और निकलेगी ना फिर जय श्री राम निकलेगा। सभी भाइयों को जय श्री राम, आपका भाई बलवंत पाल सिंह, एजाज खान बीप।